सुमित कुमार धोत्रे हा लहानपणापासूनच हुशार आणि चाणाक्ष होता। तो दहावीपर्यंत जाईपर्यंत साधारणतः 120 वेगवेगळ्या स्पर्धापरीक्षा त्यांनी पास केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप गोल्ड मेडल पण मिळालेले आहेत। दहावीला तो राज्यातून पहिला होता मागासवर्गातून। त्याच्यानंतर त्याचं 12वी मुंबईमधून झालं। त्यानंतर त्यांना IIT खडगपूरमधून BTech केलं। त्यानंतर तो UPSC प्रिपरेशन करण्यासाठी तो दिल्लीत गेला आणि त्यांनी पहिल्या प्रयत्नामध्ये यश प्राप्त केलेलं आहे। सर परिवारामध्ये किती लोक आहेत आणि तुम्हाला आता कसं वाटतं सर? तुम्ही मुलाचा आनंद म्हणल्याच्यानंतर आईवडिलाला आनंद होणारच आणि अपेक्षित यश त्यांना जे प्राप्त केलेलं आहे त्याच्यामुळं आनंद साहजिकच आहे। माझ्या कुटुंबामध्ये एकूण 4 व्यक्ती आहेत। त्याची छोटी बहीण आहे, ती इंटिरियर डिझायनर आहे, हैदराबादमध्ये जॉब करते। माझी जी पत्नी आहे ते खाजगी शाळेमध्ये शिक्षिका आहे। मी पत्रकार आहे। मेरा नाम सुमित कुमार दत्ताहरिराव धोत्रे है। मैं नांदेड़ का रहिवासी हूँ। मैंने मेरा मैट्रिकुलेशन तक का एजुकेशन नांदेड़ में ही किया था और उसके बाद मेरा BTech IIT खड़गपुर से हुआ है। मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैंने रिलायंस में कुछ अवधि के लिए जॉब किया था एंड रिजिग्नेशन करने के बाद मैंने UPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और इस अटेम्प्ट में मेरी 660 रैंक मुझे प्राप्त हुई है। मेरे इस प्रिपरेशन जर्नी में मेरे माता पिता, मेरी बहन और मेरे रिश्तेदारों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। इनके अलावा अम्बेडकरवादी मिशन के प्रमुख दीपक कदम सर जी का भी बहुत सपोर्ट मुझे मिला है और मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन में मुझे महेश भागवत सर और उनके ग्रुप ने भी बहुत सपोर्ट किया था। महाराष्ट्र सरकार की बाटी और यशदा इंस्टीट्यूशंस ने भी मुझे टाइमली सपोर्ट किया था जिनकी वजह से मैं दिल्ली जा सका था एंड मैं प्रशासन में आने के बाद शिक्षण सेक्टर एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहता हूँ एंड लास्ट के एक साल में कोविड के टाइम पे जो भी डिफिकल्टीज आई थी उनमें मुझे हार्डवर्क, डेडिकेशन और पेशेंस का वैल्यू पता चला और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है कि मुझे ये रैंक प्राप्त हुआ। थैंक यू।